सबको आदाब। कल एक हमारे नोटिस पे एक इश्यू आया था जहाँ पे फोर्थ क्लास बच्चों का जो सोशल बुक पे सोशल स्टडीज बुक पे एक चैप्टर पे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तस्वीर लिख कोई तस्वीर रखे नीचे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा था, तो उसके ऊपर हमारे मुस्लिम ब्रदरान का ऑब्जेक्शन रेज हुआ था, उसके ऊपर हम लोग कंप्लेंट रजिस्टर किया। और साथ साथ जो ये स्कूल जिस स्कूल पे बुक था हमारे बॉयज़ टाउन स्कूल में, वो प्रिंसिपल भी आके माफ़ी मांगा, बोला कि भाई गलती से हो गया। और जो पब्लिशर है उनके ऊपर केस रजिस्टर किया और उनको कानूनी तौर पे कार्रवाई होगा। उनको भी अभी समन भेजा हमारे ऑफिस पे, अभी आ जाएगा, उसको भी लॉ के अंदर लेके आएंगे। और साथ साथ कल इसके इश्यू में लोग कालापत्थर पी एस पे और फलकनामा पी एस पे हम लोग को पिटिशन दिया, तो उसी के ऊपर हम लोग एक FIR भी रजिस्टर किया कालापत्थर पी एस पे। स्कूल ओपन है, स्कूल ओपन है, स्कूल हमेशा चलते रहेगा, तालीम किसी के लिए नहीं रुकेगा। गलती किसका है, स्कूल मैनेजमेंट का या पब्लिशर का? पब्लिशर का भी है, स्कूल मैनेजमेंट को भी देखना पड़ता है कि जब भी कोई बुक आते हैं उन लोग को भी देखना पड़ता है कि कौन सी बुक कैसे है। पब्लिशर का मेन रीज़न मेजर तौर पे गलती होते हैं, क्योंकि तो उन लोग प्रिंट किया जिनका बोले कि जाने अनजाने से भी किया, तब भी वो इनोसेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि तो जो बुक प्रिंट कर रहे हैं उनका नॉलेज से प्रिंट कर रहे हैं, तो पूरा लीगली उन लोग बैक लीगली साउंड होकर ही प्रिंट करना पड़ता है। तो मेजर पब्लिशर का भी साथ साथ मैनेजमेंट का ऊपर भी केस बुक हुआ। सर ये स्कूल प्रिंसिपल को अरेस्ट करें, उन लोगों को पूछताछ चल रहा है।